नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए या डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल या ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर जरूर करें। अब आगे देखिए, आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर के पहचान लिखना है। पहचान लिखने के बाद आप पर एंटर मारेंगे के बाद आपका यहाँ पहचान पोर्टल है, राजस्थान गवर्नमेंट पहचान पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे आपको कई सारी सर्विसें दी गई हैं। पंजीकरण खोजे, आमजन से आवेदन प्रपत्र, ई मित्र पंजीकरण स्थिति, आप अपना जो विवाह पंजीयन है या जन्म प्रमाण पत्र है वो इसकी देख सकते हैं। और भी कई ऑप्शन है इसमें। इसके बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे दबाना है, जो आपको विवाह पंजीयन या जन्म प्रमाण पत्र या आपका डेथ सर्टिफिकेट आपको जो आपको देना है, डाउनलोड सर्टिफिकेट पर आप दबाएं। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए या विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। और नीचे जो आप देना होगा उसमें आपके पास अगर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो विवाह पंजीयन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप मोबाइल पर आया है वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद जो ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ईयर मान लो 2021 है तो 2021 डाले। इसके बाद ये आप यहाँ कैप्चा डालना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो जो आपने मोबाइल नंबर जो पंजीकरण के वक्त आप रजिस्ट्रेशन के वक्त मोबाइल नंबर दिए थे वो आप यहां डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको खोजे बटन पर क्लिक करना है, दबाना है बटन। उसके बाद आपको यहाँ जो आपका विवाह पंजीयन है या जन्म प्रमाण पत्र है यहाँ पर आप हो जाएगा कि आपका कौन सा जन्म प्रमाण पत्र है या विवाह पंजीयन है। यहाँ जो OTP जो लिखा हुआ है OTP पर जाकर क्लिक करें, ये आपको आपका मोबाइल नंबर बताएगा कि आपका मोबाइल नंबर, ये नंबर आपका रजिस्टर्ड है, इस पे आपको OTP प्राप्त होगा। यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पर आपको जो आपके मोबाइल नंबर में OTP आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ डालना होगा। OTP दर्ज करने के बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पर दबाना है, क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड या आपके फाइल पर ये डाउनलोड हो जाएगा, जहां पर भी आप फाइल डाउनलोड की हो वहां पर ये हो जाएगा। इस प्रकार आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन या डेथ सर्टिफिकेट अपना प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए